Hello parents, as you all know, I am Dr. Megha Shah, gynecologist by profession and Garbh Sanskar trainer. हमारी ये जो साइंटिफिक गर्भ संस्कार की सीरीज है उसमें बहुत अलग अलग तरह के सब्जेक्ट रिलेटेड टू प्लानिंग एंड प्रेगनेंसी हम बात करते हैं. आज एक बहुत ही डिस्प्यूटेड या डिस्कस्ड या जिसके बारे में लोगों में बहुत ही कन्फ्यूजन्स यस और नो रहता है, ऐसे एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे. आज हम बात करेंगे कि क्या प्रेयर का कोई महत्व है, प्लानिंग या प्रेगनेंसी फेज में प्रेयर का कोई बेनिफिट है या नहीं है. हमारे एंशियंट हिस्ट्रीज में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे प्रेयर थ्रू पेरेंट्स ने उत्तम संतान को प्राप्त किया. मनु और शत्रुपा ने पूरी लाइफ प्रेयर की और नेक्स्ट बर्थ में वो दशरथ और कौशल्या बने और उन्होंने श्री राम जैसे उत्तम संतान को जन्म दिया. ऐसे ही हमारे यहाँ पे कहा गया है कि आर्यंबा ने पूरी श्रद्धा से शंकर भगवान को प्रे किया और उनसे उनके जैसा बेटा मांगा और शंकराचार्य का बर्थ हुआ. ऐसे ही भुवनेश्वरी देवी ने भी थ्रू प्रेयर स्वामी विवेकानंद जैसे बच्चे को जन्म दिया. जब ऐसी बातें हम सुनते हैं और जब आजकल हम फुल ऑफ साइंस लाइफ जीते हैं तो क्वेश्चन होता है कि क्या सच में प्रेयर ऐसा कोई मिरेकल क्रिएट कर सकती है. आजकल के जो साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं उन्होंने भी ये प्रूव किया है कि प्रेयर का प्लानिंग फेज में और प्रेगनेंसी फेज में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है. एक रिसर्च डॉक्टर फ्रैंकलिन का बहुत ही फेमस है. उन्होंने 3 सेम एक जैसे पॉट लिए और उसमें एक ही तरह के सीड्स को प्लांट किया. एक जो गमला था उसके सामने वो प्रेयर करते थे, दूसरे गमले को एज इट इज रूटीन नर्चरिंग देते थे और तीसरे गमले के सामने नेगेटिव कर्सिंग करते थे. आफ्टर 25 डेज ही ऑब्जर्व कि जो गमले के सामने प्रेयर की जाती थी वो पौधा बहुत अच्छे से डेवलप हुआ, जिसको रूटीन नर्चरिंग दी गई वो एवरेज डेवलप हुआ, जो कर्सिंग की जा रही थी वो पौधा नहीं डेवलप हो पाया. ऐसे ही कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 60 प्रेग्नेंट लेडी पे उन्होंने रिसर्च किया. जो प्रेग्नेंट लेडी को कंसीव होने में डिफ़िकल्टीज थी और वो लोग IVF मतलब कि टेस्ट ट्यूब बेबी की साइकिल से पास हो रही थी, उन्होंने वो 60 लेडीज़ को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 30-30 ग्रुप ऑफ ईच. अब एक जो ग्रुप था वो लेडी को उन्होंने बोला कि ड्यूरिंग द होल ट्रीटमेंट फेज उन्हें रेगुलर प्रे करना है, प्रेयर्स करनी है और साथ में उनके फोटोज अलग अलग लोगों को दिए गए और उनको भी बोल उनको कहा नहीं गया कि ये लेडी को क्या प्रॉब्लम है, बट सिर्फ इतना कहा गया कि आप ये लेडी के लिए प्रे करो. और दूसरा ग्रुप था उसको रूटीन ट्रीटमेंट से पास ऑन होना था. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ होल साइकिल उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो लेडी रूटीन मेडिकल ट्रीटमेंट ले रही थी उनके कंसीविंग का रेशियो 27% से लेके 29% रहा और जो लेडी प्रेयर यूज़ कर रही थी या तो प्रेयर जिनके लिए दूसरे लोगों ने की थी वो लेडी का कंसीविंग रेशियो जो है वो मोर देन 50% रहा. मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कपल्स हमारे साथ जुड़ते हैं उनकी लाइफ में भी प्रेयर्स ने बहुत सारे मिरेकल क्रिएट किए हैं. जैसे कि बड़ौदा का एक कपल है, उनको लेफ्ट साइड पे पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही थी, नली में गर्भ रहा था, वो नली को ऑपरेशन करके निकाल दिया गया था. जब वो हमें मिले थे उस वक्त उनकी प्रेगनेंसी के लिए ट्रीटमेंट चल रही थी और उनकी जो लेफ्ट साइड की ओवरी है वहीं से उस महीने
बीज बना था और उसी महीने उन्होंने हमारा वर्कशॉप अटेंड किया था। वर्कशॉप के वक्त उन्होंने जो कुछ सीखा वो सारा उन्होंने अप्लाई किया और जैसे मैंने बताया था ऐसे उन्होंने प्रेयर रेगुलर करना शुरू किया और उसी महीने उनको प्रेगनेंसी रह गई। दे बोथ वर वेरी सरप्राइज कि लेफ्ट साइड पे एग बना तो लेफ्ट ट्यूब तो थी ही नहीं तो प्रेगनेंसी कैसे रही। ऐसे ही अभी रिसेंटली अहमदाबाद में एक कपल है, उन्होंने 3 बार IVF ट्रीटमेंट किया था, टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट, बट उनको प्रेगनेंसी नहीं रही थी। जब हमारा वर्कशॉप उन्होंने किया उसके बाद में उन्होंने कहा कि 2-3 महीने हम सिर्फ आपने जो बताया है वो एक्टिविटीज एंड प्रेयर करना चाहेंगे, हम कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। थोड़ा तो मुझे भी डर लगा, मैंने कहा कि आप ये सब करो बट साथ में ट्रीटमेंट कंटिन्यू करो, बट उनका फेथ बहुत स्ट्रांग था। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्टिविटीज़ की, बहुत अच्छे से प्रेयर्स जैसे सिखाई गई ऐसे उन्होंने किया एंड सरप्राइजिंगली 2nd मंथ में उनको विदाउट एनी ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी रह गई। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। मेरा मानना है कि जब भी कोई लेडी या पेरेंट्स बच्चे के लिए प्लानिंग फेज में या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रे करते हैं तो मेडिकली सबसे पहले उनका स्ट्रेस लेवल डाउन होता है। जब स्ट्रेस डाउन होता है तो बहुत सारे फिजिकली बैलेंसिंग सिस्टम्स एक्टिंग करने लगती हैं, जो मैंने ऑलरेडी स्ट्रेस के इफेक्ट और स्ट्रेस नहीं है तो क्या पॉजिटिव इफेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में आगे वीडियो में ऑलरेडी मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। तो प्रेयर की वजह से स्ट्रेस कम होगा। सेकंड थिंग, प्रेयर की वजह से ईगो लेवल इज वेरी लो, सीरोटोनिन सिक्रीशन विल बी हाई, दिस अगेन विल हेल्प देम। थर्ड थिंग, जब भी कोई पेरेंट्स प्रे करते हैं तो उनके अंदर जो पॉजिटिविटी आती है वो उनके सबकॉन्शियस माइंड थ्रू रेस्ट ऑफ द पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है और उसकी वजह से भी मिरेकुलस रिजल्ट मिलते हैं। हमारे यहाँ पे जब कोई कपल प्लान कर रहा है तो अच्छे से कंसीव होने के लिए संतान गोपाल स्तोत्र को चैंटिंग करने का कहा गया है। देवकी जी ने कृष्ण जी को पाने के लिए संतान गोपाल स्तोत्र का चैंटिंग किया था। ऐसे ही जब मदर प्रेग्नेंट है तो बच्चे की रक्षा करने के लिए, मतलब कि अबॉर्शंस या दूसरे प्रॉब्लम्स ना हो, उसके लिए गर्भ रक्षा मंत्र का चैंटिंग करने का कहा गया है। कहा जाता है कि जब अस्वस्था माँ ने उत्तरा के गर्भ को जलाने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा तब कृष्ण जी के कहने पर उत्तरा ने गर्भ रक्षा मंत्र का चैंटिंग किया और उसकी वजह से उसके गर्भ की रक्षा हुई और राजा परीक्षित का जन्म हुआ। ऐसे ही डिलीवरी के पेन को रिड्यूस करने के लिए और इजी डिलीवरी के लिए प्रसव सुख मंत्र के चैंटिंग के बारे में भी कहा गया है। तो मेरा ये आप सबको अनुरोध है कि प्लानिंग फेज में, प्रेगनेंसी फेज में एंड ड्यूरिंग लेबर मंत्र चैंटिंग कीजिए, प्रेयर्स कीजिए। दिस विल चेंज ऑल योर हार्मोनल बैलेंस एंड विल गिव यू सो मच पॉजिटिविटी एंड विल अफेक्ट यू इन वेरी पॉजिटिव मैनर। ऐसे ही बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए और इन्फॉर्मेशन के लिए फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। हमारी वेबसाइट को भी आप फॉलो कर सकते हैं, हमारी वर्कशॉप भी आप अटेंड कर सकते हैं। बट बी प्राउड पेरेंट।